हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग एट होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोटक्स के ब्लाउज़ की कटिंग इस तरह के ब्लाउज़ पीस पर करेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मेरी पिछली वीडियो में हमने फोटक्स के ब्लाउज़ की कटिंग करी थी 36 साइज़ के लिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास पेपर कटिंग है अभी फ़िलहाल। अब हम इसकी ब्लाउज़ पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर कटिंग को थोड़ा अलग रखते हैं और ब्लाउज़ को पूरा खोल लेते हैं। तो ब्लाउज़ को पूरा खोलने में हमें बंद साइड अपनी साइड में रखनी होगी और खुली साइड इस साइड में रखेंगे। हम इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। आप देख सकते हैं बंद साइड हमारी इस साइड से है। अब जहाँ पर हमारी बंद साइड बन रही है वहाँ पर हम रखते हैं हमारी बैक साइड को, और इस तरह से जो सीधी लाइन है बैक साइड की उसे रखते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि पेपर कहीं हिले ना तो आप इसे पिनअप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की आउटलाइन। अब हम इसको एज इट इज कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक साइड को हमने अलग हटाया, अब हम फ्रंट साइड को इस तरह से रखेंगे। जहाँ पर भी आपकी जगह बचती है एक्स्ट्रा आप वहाँ पर रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम रखेंगे। आप पिनअप कर लीजिए अगर आप बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहते हैं तो आप पिनअप ही कर लीजिए पहले। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी फ्रंट साइड की आउटलाइन। अब हमें इसके ऊपर टक्स बनाने होंगे फिर से। अभी पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है तो हमें इसी के ऊपर अभी टक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसी के ऊपर सिलना है। तो हमें इस तरह से हमें कपड़े पर इसे टक्स बनाने पड़ेंगे। तो आप इस तरह से टक्स ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिया है। पहले भी मैंने पेपर पर आपको दिखाया था कि किस तरह से हम ये गिन सकते हैं। तो 4 का 1 इंच का ये टक्स यहाँ पर बनेगा, एक वाला पहला वाला टक्स, दूसरा वाला बनेगा इस वाले सेंटर पॉइंट पर। तो यहाँ से 1 इंच हमें अंदर गिनना है इस तरह, और ये वाला हमारा बनता है दूसरा वाला टक्स। अब यहाँ पर भी हम इसे 1 इंच अंदर ऊपर की तरफ गिनेंगे यहाँ पर, और ये वाला बनता है हमारा तीसरा वाला। तो यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट लेना है फिर से एक बार। तो ये बन जाएगा हमारा तीसरा वाला टक्स। और हमारा फोर्थ वाला टक्स जो है वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से मार्किंग करूँगी और इसे हम गिनते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये होगा हमारा फोर्थ वाला टक्स। तो फ्रेंड्स, यही करना है आपको कि आपको ब्लाउज़ पीस पर टक्स को इस तरह से फिर से गिनना पड़ेगा। यहाँ पर पेपर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। अब हम इसको इस तरह से कट करते हैं। टक्स को हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है, ये तो हम जब सिलाई मशीन पर लगाएंगे तभी हम इसको सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड को हटा लिया है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ये सिलाई मशीन पर ही लगा सकते हैं, तो आप सेम इसी तरह से सिलाई मशीन पर लगाइए। यही इस ब्लाउज़ का एक प्रॉब्लम वाला पार्ट ये है कि हम इसे कहीं पर भी कट नहीं कर सकते, और ब्लाउज़ को हम कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे अभी ये क्रॉस पट्टी है इसको भी हम यहीं पर कहीं एडजस्ट करके काट ले सकते हैं। तो यहाँ पर कर कपड़ा आपका जहाँ भी बच रहा है आप आउटलाइन लीजिए और सिंपली इसे कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी कटिंग ब्लाउज़ की, ब्लाउज़ पीस के ऊपर फोर टक्स के ब्लाउज़ की कटिंग। ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, और स्लीव्स की कटिंग मैंने अपनी वीडियोस में आपको बहुत बार दिखाई है। तो आप वो वैसे ही उसी तरह से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए और मुझे टाइम देने के लिए। सो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।